नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोमोई शाह और आप देख रहे हैं सोमोई टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ है, तो इस वीडियो का जरूर अंत तक देखें और हम बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का टेक न्यूज़ का एपिसोड। हमारे आज का फर्स्ट न्यूज़ का रिपोर्ट मोटोरोला की तरफ से। मोटो जी 5G+ लॉन्च हो चुका है और ये आज से ही अवेलेबल हो जाएगा यूरोप में। मोटोरोला ने कहा है कि ये फ़ोन फ्यूचर में UAE और सऊदी अरेबिया में भी लॉन्च होने वाला है, लेकिन इस फ़ोन के इंडिया लॉन्च को लेकर अभी तक कोई डिटेल्स निकल के नहीं आया है। इस फोन में आप लोग को एक ही कलर देखने को मिलता है जो कि है सर्फिंग ब्लू, और इसमें आप लोग को दो वेरियंट देखने को मिल जाता है। जो 4G+ 64GB वाला वेरियंट है, इसका प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 29,400 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, और जो 6GB+ 120GB वाला वेरियंट है, इसका प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 33,700 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। इस फोन में आप लोग को 6.7 इंचेस का एक फुल HD प्लस का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग को 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 409 PPI पिक्सल डेंसिटी मिलता है और HDR10 का सपोर्ट मिलता है। और इसमें आप लोग को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसके साथ इस फोन के बैक साइड में आप लोगों को 48+8+5+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में 16+8 MP का डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आप लोग को 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 20W टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग वाया USB Type-C पोर्ट, और इसमें आप लोग को ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है। उसके साथ इसमें आप लोग को NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। तो अगर फ्यूचर में मोटो जी 5G+ के इंडिया लॉन्च को लेके कोई डिटेल्स निकल के आएगा, मैं अपने टेक्नोलॉजी से आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का सेकंड टेक्नोलॉजी का रिपोर्ट रियलमी की तरफ से। रियलमी इंडिया के साइट के ऊपर कुछ समय के लिए रियलमी 30W पावर बैंक का जो सपोर्ट पेज है उसको लिस्ट किया गया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद रियलमी ने वो सपोर्ट पेज को रिमूव भी कर लिया था। लेकिन इस सपोर्ट पेज के रिमूव होने से पहले ही इसको फ़ोन अरिना ने स्पॉट कर लिया था, जिससे हमें पता चलता है ये जो रियलमी 30W पावर बैंक है, ये ऐसे बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये पावर बैंक ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है मई 2020 में, और इसका जो चाइना का प्राइस सिग्नल का है वो अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 2100 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। तो शायद से ये पावर बैंक इंडिया में इसी प्राइस पॉइंट के आसपास लॉन्च हो सकता है, और चाइना में इसमें आप लोगों को येलो और ब्लैक ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो शायद से ये दोनों कलर ऑप्शन में ही ये पावर बैंक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसमें आप लोगों को कार्बन फाइबर का बॉडी देखने को मिल जाता है और उसके साथ 10,000mAh का कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को 30W 2-way फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को 20W 15W और 10W का डिवाइसेस का कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाता है। और ये पावर बैंक एक ही समय में दोनों डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकता है, एक को USB Type-C के द्वारा और दूसरे को USB Type-A के द्वारा। और बताया जाए कि ये जो पावर बैंक है ये आपको 18W के पावर बैंक के मुकाबले में 53% फास्टर चार्जिंग स्पीड ऑफर करेगा। तो जब भी फ्यूचर में रियलमी 30W पावर बैंक के बारे में इंडिया लॉन्च को लेके कोई डिटेल शेयर का आएगा, मैं अपने टेक्नोलॉजी में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का है रेडमी की तरफ से। शाओमी इंडिया के चीफ मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट से अनाउंस किया है रेडमी K20 Pro का जो 6GB+ 128GB वाला वेरियंट है, इसमें आप लोग को इंडिया में अभी 2000 रुपीज़ का टेम्पोरारी प्राइस कट देखने को मिलेगा 13 जुलाई तक। यानी कि जो रेडमी K20 Pro का 6GB+ 128GB वाला वेरियंट है, इसका अभी तक इंडिया में प्राइस रहा 26,999 रुपीज़। लेकिन अगर आप इसको अभी से 13 जुलाई के अंदर ख़रीदते तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 24,999 रुपीज़ में। अगर आप Mi.com, Flipkart और Amazon के ऊपर जाकर चेक करते तो आपको ये नया प्राइस देखने को मिल जाएगा। लेकिन Redmi K20 Pro का जो 8GB+ 256GB वाला वेरियंट है, इसका इंडिया में प्राइस अभी तक सेम ही है, यानी कि 29,999 रुपीज़। इस फ़ोन में आप लोगों को ग्लेशियर ब्लू, फ्लेम रेड, कार्बन ब्लैक और पर्ल व्हाइट ये चार कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस फोन में आप लोगों को 6.39 इंचेस का एक फुल HD+ का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विथ 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो, और इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसके साथ इस फोन के बैक साइड में आप लोगों को 48+13+8MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में 20MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आप लोगों को 4000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 27W फास्ट चार्जिंग वाया USB Type-C पोर्ट, और इसमें आप लोगों को 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, वाईफाई 802.11ac देखने को मिल जाता है, GPS भी देखने को मिल जाता है और 4G वोल्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये रेडमी K20 Pro ख़रीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं।
हमारे आज का नेक्स्ट एक्यूजर का है वो रियलमी की तरफ से। रियलमी इंडिया में उनका जो रियलमी सी सीरीज है उसका एक नया स्मार्टफोन के लॉन्च को लेके टीस कर रहा है ट्विटर पे। एक ट्वीट पे रियलमी ने कहा है इंडिया में जो रियलमी सी सीरीज है उसका नेक्स्ट एडिशन ऐड होने वाला है। रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ जी ने भी कहा है इंडिया में जो रियलमी सी सीरीज है उसमें एक नया स्टाइलिश प्रोडक्ट ऐड होने वाला है। लास्ट वीक मलेशिया में रियलमी सी 11 लॉन्च हुआ था, तो शायद से यही फ़ोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। मलेशिया में रियलमी सी 11 का जो 2GB प्लस 32GB वाला वेरियंट है इसका जो प्राइस है वो अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 7500 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, तो शायद से ये फ़ोन इंडिया में इसी प्राइस के आसपास लॉन्च हो सकता है। रियलमी सी 11 का जो मलेशिया वाला मॉडल है इसमें आप लोगों को ग्रीन और ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को 6.5 इंचेस का एक HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का हीलियो G35 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को पीछे की तरफ 13+2 MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। तो जब भी फ्यूचर में रियलमी सी 11 के इंडिया लॉन्च को लेके कोई और डिटेल आएगा मैं अपने टेक्स में आप लोगों को सारे डिटेल्स दे दूंगा। आज का नेक्स्ट टेक्स का है वो सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का इस साल का यानी कि 2020 का जो गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है उसका डेट निकल के आ चुका है। ये इवेंट होगा 5 अगस्त को, और ये इवेंट स्टार्ट होगा इंडियन टाइम पे 7:30 PM से। आप इस इवेंट के लाइव स्ट्रीम को samsung.com के ऊपर से जाके देख सकते हैं। सैमसंग हर साल उनका जो प्रीमियम स्मार्टफोन से उनको सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट पे लॉन्च करता है, और बता दें कि इस साल का जो 2020 का सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है उसमें सैमसंग उनका जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ है उसको लॉन्च करने वाला है, और उसके साथ बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5G भी लॉन्च हो सकता है, और उसके साथ जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का सक्सेसर होगा वो भी लॉन्च हो सकता है। इन फोन्स के बारे में कुछ और भी डिटेल्स हल्के आ रहा है। जैसे बताया जाए कि जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ होगा इसमें आप लोगों को ब्लैक, व्हाइट, कॉपर और मिंट ग्रीन ये 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ होगा इसमें आप लोगों को 3 फोन्स देखने को मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है बताया जाए कि इसमें आप लोगों को 60Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा होगा बताया जाए कि इसमें आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन A65 Plus का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5G है बताया जाए कि इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन A65 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का सक्सेसर होगा उसको रिसेंटली 3C Certification के ऊपर स्पॉट किया गया है, जहाँ से हमें पता चलता है इसमें आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी मिलेगा, और इसमें आप लोगों को 25W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो 5 अगस्त को जब ये सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट हो जाएगा उसके बाद मैं इस इवेंट के बारे में आपको सारी डिटेल्स मेरे टेक न्यूज़ में दे दूंगा। आज का नेक्स्ट टेक्नोजा का है वो लेनोवो की तरफ से। लेनोवो ने कन्फर्म किया है उनका जो लेनोवो लेजेंड गेमिंग फोन है ये जुलाई मंथ में ही लॉन्च होने वाला है, और इसके लॉन्च से पहले ही इसका जो परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन है इनको टिप्ट किया जा रहा है एंड्रॉयड के द्वारा। एंड्रॉयड के ऊपर से इस फोन का जो मॉडल नंबर निकल का है वो है L79031, और एंड्रॉयड के ऊपर इस फोन का जो टोटल स्कोर है वो है 648871। एक रिपोर्ट निकल का है जहाँ से हमें पता चलता है ये जो लेनोवो का गेमिंग फोन होने वाला है इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन A65 का ऊपर जो आने वाला अदर स्मार्टफोन्स है उनके मुकाबले में 13% मोर ग्राफिकल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो शायद से ये जो गेमिंग फोन है इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन A65 का ओवरक्लॉक वर्जन देखने को मिल सकता है, और इसमें आप लोगों को शायद से एड्रीनो 650 का GPU देखने को मिलेगा। ये जो एंटूटू है इसके ऊपर से हमें ये भी पता चलता है ये जो लेनोवो लेजेंड गेमिंग फोन है इसमें आप लोगों को 16GB का रैम देखने को मिलेगा, जो कि शायद से LPDDR5 वाला हो सकता है, और इसमें आप लोगों को 512GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि शायद से UFS 3.1 हो सकता है। और ये जो लेनोवो लेजेंड गेमिंग फोन है इसके बारे में कुछ और भी रिलीक्स निकल के आ चुका है, जहाँ से हमें पता चलता है इसमें आप लोगों को फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 144Hz का रिफ्रेश रेट और 270Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आप लोगों को शायद से एक 64+60 MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, और फ्रंट में 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, और इसमें आप लोगों को शायद से 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। तो जब भी फ्यूचर में लेनोवो लेजेंड गेमिंग फोन के बारे में कोई और डिटेल्स हल्का का आएगा मैं अपने टेक न्यूज़ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट टेक का है वो OnePlus की तरफ से। OnePlus Nord 21 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, और उससे पहले इस फोन के प्राइस और स्पेसिफिकेशंस को एक रिटेलर ने टिप्ट किया है। EvoMag.ro नाम के एक रोमानियन रिटेलर ने OnePlus Nord के प्राइस और स्पेसिफिकेशंस को लिस्ट कर दिया है। इस लिस्टिंग से हमें पता चलता है OnePlus Nord का जो प्राइस होने वाला है वो अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कुछ 39,000 रुपीज़ के आसपास होगा फॉर 8GB प्लस 128GB वेरिएंट, यानी कि $536 के आसपास। लेकिन पहले न्यूज़ सिगल का आया था OnePlus Nord का प्राइस होने वाला है अंडर $500,
यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कुछ 37,500 रुपीज़ से कम। तो हमें पता नहीं है कि ये जो रिटेलर ने प्राइस लिस्टिंग किया है वो सही है या गलत। और उसके साथ इस लिस्टिंग से हमें पता चलता है वन प्लस नॉट में आप लोगों को 6.55 इंचेस का एक फुल एच डी प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वन प्लस ने खुद इस प्रोसेसर को वन प्लस नॉट के लिए कन्फर्म किया है। और उसके साथ बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को 64+16+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा बैक साइड में, और इसमें आप लोगों को 4,300 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। तो जब भी फ्यूचर में वन प्लस नॉट को लेके कोई और डिटेल्स शेयर करेगा मैं अपने टेक न्यूज़ में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे जज का लास्ट टेक न्यूज़ आया है वो रेडमी की तरफ से। रेडमी बुक 16 और रेडमी बुक 14 2 इन लैपटॉप्स को रेडमी ने चाइना में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों लैपटॉप्स में आप लोगों को 10 जनरेशन का इंटेल कोर का प्रोसेसर मिलता है और एनवीडिया जीफोर्स MX350 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। जो रेडमी बुक 16 है इसमें आप लोगों को 16 इंचेस का एक फुल एचडी का स्क्रीन मिलता है और इसमें आप लोगों को ग्रे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो रेडमी बुक 14 2 है इसमें आप लोगों को 14 इंचेस का एक फुल एचडी का स्क्रीन मिलता है और इसमें आप लोगों को सिल्वर कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये जो लैपटॉप्स है इनके वेरियंट्स के प्राइसेस को अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह का होता है। जो रेडमी बुक 16 है इसमें आप लोगों को दो वेरियंट्स देखने को मिल जाता है। एक है कोर i5 16GB रैम 512GB SSD के साथ, इसका प्राइस है 53,400 rupees के आसपास, और दूसरा है कोर i7 16GB रैम और 512GB SSD के साथ, इसका प्राइस है 60,900 rupees के आसपास। जो रेडमी बुक 14 2 है इसमें आप लोगों को चार वेरियंट्स देखने को मिल जाता है। एक है कोर i5 8GB रैम 512GB SSD के साथ, इसका प्राइस है 50,200 rupees के आसपास। दूसरा है कोर i5 16GB रैम और 512GB SSD के साथ, इसका प्राइस है 53,400 rupees के आसपास। इसमें आप लोगों को 100% sRGB कवरेज देखने को मिल जाता है। तीसरा है कोर i7 8GB रैम 512GB SSD के साथ, इसका प्राइस है 57,700 rupees के आसपास। और जो फोर्थ है वो है कोर i7 16GB रैम और 512GB SSD के साथ, इसका प्राइस है 60,900 rupees के आसपास, और इसमें भी आप लोगों को 100% sRGB कवरेज देखने को मिल जाता है। इन दोनों लैपटॉप्स में आप लोगों को विंडोज़ 10 होम प्री इंस्टॉल मिलता है, उसके साथ 2 2W का स्पीकर मिलता है विथ DTS ऑडियो प्रोसेसिंग, और इनमें आप लोगों को 65W का चार्जिंग मिलता है वाया USB Type-C पोर्ट, और इनमें आप लोगों को एक 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, उसके साथ इसमें आप लोगों को एक HDMI पोर्ट मिलता है, 2 USB Type-C पोर्ट मिलता है, और उसके साथ 2 USB Type-A पोर्ट्स मिलता है, और इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, और उसके साथ इनमें आप लोगों को डुअल बैंड वाईफाई 6 मिलता है। तो देखते क्या ये लैपटॉप्स रेडमी इंडिया में लॉन्च करता है या नहीं। तो अगर फ्यूचर में रेडमी बुक 16 और रेडमी बुक 14 2 इन लैपटॉप्स के इंडिया लॉन्च को लेके कोई भी डिटेल्स अगर आएगा मैं अपने टेक्स्ट में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसका साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चले। और जितने भी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उन सभी का प्राइस कभी कभी वेबसाइट वेबसाइट वेरी कर सकता है और कलर और वेरियंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, तो ज़रूर खरीदने से पहले रिसर्च कर लीजिएगा। और जो बाहर कोरोना वायरस को लेकर सिचुएशन है उस पर अपने घर में ही रहिए और सेफ रहिए, और अगर किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलते तो ज़रूर मास्क पहनिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।